हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में मुझे रिसीव हुआ था कुछ कुछ पार्सल जिसमें था मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, और मैंने पैकेट खोला और छुटकी आजकल बैठने लग गई है तो मेरे साइड में ही बैठी हुई थी। एंड समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या व्लॉग शेयर करूँ, बिकॉज़ मैं आधे व्लॉग्स जब बनाती हूँ ना आधे में वो रुक जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली चार वगैरह था तो मैं स्मेल कर रही थी, एक जो बॉटल था कांच का फूट गया था और मेरे हाथ में चोट भी लगी क्योंकि मैंने जस्ट उसका पेपर ही खोलना चाहा, केयरफुल होके ही खोल रही थी बट थोड़ा सा खोला था ना तभी वो उसमें से मेरे हाथ में लग गया था तो ब्लड भी आ गया था थोड़ा सा। हाँ मैं बोल रही थी मैं व्लॉग समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस व्लॉग में भी ना कुछ रेसिपी शेयर किया, वो आप एंड तक देखिएगा, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं शूट कर पाती हूँ बिकॉज़ यहाँ मेरे हाथ में लग गई थी तो मैंने अचार ही छोड़ दिया। और फिर किचन में आ गई थी, मैंने सोचा चलो आज केक बनाते हैं क्योंकि लड्डू को भी खाना था, तो यहाँ मैंने दूध रख लिया, पैकेट बिस्किट का डाल लिया और मैंने सोचा कि चलो पहले पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। और अनुष्का को पूछ रही थी कि अनुष्का तुम भी खाओगी, और यहाँ पर अनुष्का चुटकी के साथ और लड्डू के साथ खेल रही थी, चुटकी को भी पकड़ी हुई थी और उसका भी मन था खाने का, और मैंने सोचा चलो क्योंकि हमारी एनिवर्सरी मंथ स्टार्ट हो रही है तो केक बनाते हैं। केक के पहले यहाँ पे ये बैठ गए हैं स्लैब पे, बोल दो सॉरी मैं ठीक से बैठूंगा, बोल दो सॉरी मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करे थे। यहाँ बनाऊंगी केक, तो अभी मैंने बस बिस्किट को कर लिया ग्राइंड, शुगर को कर लिया ग्राइंड, और अब मैं इसमें बस मिल्क डालूंगी एंड केक बनाऊंगी। तो क्या क्या कैसे कर रही हूँ ये यहाँ पे कैमरे को लगा दे रही हूँ, बाकी मैं वॉइस ओवर दे दूंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मेरा ये मैं कर रही हूँ मिक्स, यहाँ ले लिया है दूध और दूध को इसमें डालेंगे एंड मिक्स करते जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो यहाँ मैंने केक में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस बिस्किट का पाउडर बनाया, शुगर और मिल्क। मिल्क जो है ये मेरा रॉ मिल्क है, कच्चा मिल्क है, एंड इसको ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और मेरा तो ये है मेरे पास, तो मैं इसी से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडर, वरना मशीन वाला भी आता है आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर फिर अगेन मैंने कैमरा को लगा दिया स्टैंड मोड पर, बिकॉज फिर मैंने यहाँ पे किया मिक्स और मिक्स अच्छे से कर लिया। और जो इसका ग्रेवी बोल रही बैटर है ना, वो ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, नॉर्मल ऐसे बैटर करना है कि वो जल्दी से सेट भी हो जाए। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इसमें जो है वो गीला कर लिया था, एक्चुअली शुगर भी अपना वाटर छोड़ता है। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी आ गए थे, बोल रहे थे किस खुशी में बन रही है क्योंकि तब तक वो ऑफिस मतलब बाहर ही थे। फिर यहाँ पे वो एक्चुअली हनी को देख रहे थे और ये हनी जो है वो होम मतलब वैसे है ओरिजिनल हनी, तो ये जम गया था थोड़ा सा, तो देख रहे थे कि सही है कि नहीं। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कढ़ाई में करके बैटर बनाते हैं केक, लेकिन कढ़ाई में वो छोटा हो गया था मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने कढ़ाई छोड़ के, और मेरे पास एक भगोना था आप लोग उसमें बना सकते हो, और यहाँ पे फॉरेन की कोई चॉकलेट आई थी लड्डू के पापा के ऑफिस में तो वो मुझे खिला रहे थे। फिर उसके बाद से मैंने बोला कैमरा ऑन है लड्डू, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है, लेकिन उनको पता भी नहीं रहता है मैं कब रख रही हूँ कब नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने केक को रख दिया था और चेक भी कर रही थी, और उसी बीच में मैं रोटी भी बनाते जा रही थी। तो यहाँ मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो बाल बांध के बनाती हूँ, तब की कोशिश करती हूँ कि बाल बंधे रहे, बिकॉज़ खाने में बाल आना बहुत बेकार है। और लड्डू के पापा के साथ तो रिकॉर्ड ऐसा है कि हमेशा खाने में कुछ ना कुछ यहाँ रहे, नौतन रहे, सिवान रहे, उन्हीं के खाने में प्रॉपर निकलता है। तो ऐसा मैंने सर्च किया था कि क्यों होता है, तो ये पता चला कि हमें कुछ दान पुण्य करना चाहिए। और यहाँ पर केक हो गया था थोड़ा ठंडा, तो यहाँ पे उसको मैंने जो भी बैटर था ना उसको टैप टैप करके पूरा भर दिया था थोड़ा ग्रीसिंग करके, एंड देन उसके बाद से हो गया था रेडी। और ये रहा मेरा केक जिसको मैंने बनाना से ग्रेप से वो कर दिया डेकोरेट, और इसी बहाने फिर लड्डू के पापा को बोला लड्डू के पापा मेरी एनिवर्सरी का केक है, और उसके ऊपर से मैंने डाल दिया चॉकलेट सिरप, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा ये केक, खाने में भी बहुत अच्छा था। उसके बाद से मैंने लड्डू बहुत ज़िद कर रहा था तो क्रंचीनेस के लिए इसमें डाला था बिस्किट, क्योंकि लड्डू को था कि मम्मा खाना देखो ये दिमाग क्या लगा रहा है, ऐसे पटरा लगा कर के मतलब स्टिक लगा के एक तरफ स्टिक को मारेगा तो वो केक उड़ जाएगा, यानी मेरा सारा किया धरा मेहनत एक बार में चला जाएगा। कहाँ लेके जाएंगे अगर हम प्लान करेंगे इसमें जाने के लिए, लेकिन इसलिए कि अगर मुझे एक महीना कोई अच्छे से मान दिया तब, अच्छे से मान दिया तब, मान दिया तो
6 साल खत्म होने वाले हैं लड्डू, क्या बोलना चाहेंगे? खत्म होने तो 6 साल, 60 साल खत्म होने तो 60 साल में तो मर जाएंगे लड्डू। मर जाओगे तो, क्योंकि हम उतना हेल्दी नहीं खाते हैं। तो हेल्दी खाना है ना भाई, जल्दी मरेंगे। नहीं भाई, जितना दिन जीना है उतने दिन अच्छे से खा पी के जियेंगे, ऐसे हम सोचते हैं। डाइटिंग करेंगे लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन करेंगे कुछ। लेकिन मेरे साथ डाइटिंग हो रहा है कि नहीं? नहीं, आप यहाँ तो मूंग खाने के बाद 2 रोटी 3 रोटी चावल सबका लपेट के आप बिरयानी पे फिर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन सा पानी भर के डर्टी वाटर है ना, डर्टी वाटर है, पानी का कीड़ा है। लड्डू, डू यू लाइक केक? यस। यू वांट टू ईट? तो इसको क्या करना है? इसको काटना है। आ जाओ काटते बेटा। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश है, काट दो लड्डू। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको बोल रहे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो खाओ फटाक से। अच्छा हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे एक्चुअली बनाना है, आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा रेसिपी, वो भी नॉन वेज की, यानी एग करी की। ये मैं शूट कर रही हूँ, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं फ़िश की रेसिपी भी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे लड्डू अनुष्का दोनों टीवी देख रहे हैं, मैं आ गई बाहर क्योंकि शायद जो गैस है वो ख़त्म हो चुका है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने मंगाया है कुछ सामान, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे, इसके ऊपर का स्टूल भी चाहिए, इससे इसके ऊपर रखेंगे ऐसे हम लोग बकेट, क्योंकि यहाँ पे है सॉकेट। तो ये सॉकेट में हम लोग कनेक्ट करेंगे। खाओगे एग? हाँ, खाएगा लड्डू एग। तो यहाँ पे बकेट के ऊपर रखेंगे स्टूल, स्टूल के ऊपर रखेंगे अपना एग कुकर, और उसके बाद से करेंगे, ये हो गया। अब इस पर रखेंगे हम लोग अपना एग कुकर, वो दिखाएंगे, बहुत छोटा सा क्यूट सा है। और इसमें हम मंगाए थे कुछ कुछ सामान, तो ओपन करके दिखा। अरे अरे मेरा फोन गिर गया। तो मैंने मंगाया है, तो यहाँ मैंने मंगाया है एग, जो कि लड्डू के पापा को तो नहीं पता है, बट ये मैंने एग मंगा लिया है जिसमें है 30 eggs। तो अभी बॉईल कर देते हैं जितना हम लोग खा पी पाए, पूरा तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, रख देंगे आधा से ज़्यादा तो इसमें से। सबसे पहले यहाँ पे प्याज डाल लिया है, और उस पर ये आप नमक देख रहे हैं, एक्चुअली ये पिंक सॉल्ट है, यानी कि ये सेंधा नमक है जिसमें हम लोग खाते हैं, मतलब मोस्टली। अभी एक्चुअली एक पैकेट चेंज किया है, तो ये प्याज इसमें बॉईल कर रहे हैं। ये कुकर जो है वो नॉन वेज का ही है, ये बिरयानी के लिए आया था, बट एक बार ही बिरयानी बना है तो इसी में बन रहा है, और बाकी हमारा नॉन वेज का ही बर्तन है। तो वेज नॉन वेज का बर्तन अलग है, और हम घर के बाहर बना रहे हैं। तो इसके लिए प्याज को हम लोग बॉईल कर देते हैं, अब इसमें सीटी लगाएंगे, और 5-6 अच्छी सीटी आने तक जो एग है इसमें बॉईल हो रहा है। ये है नोवा का कुकर, ये हम लोग इसमें आप देख सकते हैं वाटर और भाप भी आ रहा है इसमें से। तो ये इसमें बॉईल हो जाएगा, तब तक उधर प्याज बॉईल हो जाएगा। हाँ, हमारा एग हो चुका है बॉईल,
तो ये है हमारा कुकर जिसमें किया है बॉयल। तो एक बार में 7 अंडा था, इसमें से एक मैंने छील दिया टेस्ट करने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ, और एक लड्डू खा लिया है। तो ये है हमारा 7 अंडा। तो अभी बस यहाँ पे लहसुन और मिर्च भी छील दिए, मतलब लहसुन छील दिया और प्याज भी बॉईल हो चुका है, तो बंद कर दिया चूल्हा। तो यहाँ पे सारे अंडे को छील दिए और अब सरसों तेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो सरसों तेल में कर रहे हैं फ्राई। और फ्राई करने के बाद लड्डू और छुटकी का तो चल, लड्डू रो रही है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सरसों तेल में डाल दिया है मिर्च लहसुन जीरा, और उसके बाद से बॉइल्ड प्याज को डाल दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया मसाले जिसमें कि मैंने डाला है ये लाल मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला, बस इतना डाल के इसको कर रहा है। और मेरा रेसिपी ना थोड़ा बहुत कट हो के आ रहा है बिकॉज लड्डू और इनकी लड़ाई चल रही है, कहाँ गई, हाँ इनकी। तो अभी ये रोई है और ये लिपस्टिक मेरा लगा हुआ है, इनको किसी की आकर